चलो दोस्तों, हम लेके आए हैं साइंस के भाग टू। तो चलिए देखते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। प्रमुख खनिज अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, गंधक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परम मस्तिष्क। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ है विटामिन। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरु, जांग की। इथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को अधिक हानि होती है? यकृत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान कहलाता है सिनेप्स। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने। जीन शब्द किसने बनाया? WN जोहानसन ने। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, हार्मोन्स द्वारा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थिर होती है? मस्तिष्क के आधार में। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चालन नियंत्रण करता है शरीर के संतुलन एवं सामान्य तथा पोसिटोन को संसारित करता है? चोट लगने पर घाव लगना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रवण से किस रोग के होने की संभावना होती है? मधुमेह। अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रवण करती है लॉन्ग हैंस की दीपिकाएं कहलाती है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। तंत्रिका तंत्र की
क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है तंत्रिका। किस ग्रंथि के कम श्रवण से मानव के जनन तंत्र का पूर्ण विकास नहीं होता है? जनन ग्रंथि का। मानव के कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या होती है 13। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पादप हार्मोन की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। आपातकालीन हार्मोन है एड्रेनिलीन। द्वितीय नर लैंगिक लक्षणों का कारण है एस्ट्रोजन। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। प्राण रक्षक हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकॉइड। लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होती है? लंबाई बढ़ने के लिए किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सिन का निर्माण होता है परहो शीर्ष में। मानव शरीर का संतुलन किससे नियंत्रित होता है? अनुमस्तिष्क से। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है खून का 95%। ऋतुस्राव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। एक श्वास का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होता है? श्वसन के समय। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कौन सा पदार्थ अवयवी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विखंडन में बनता है? अल्कोहल। हमारे शरीर में निस्दम द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग है ब्रिक। निम्न में से दीर्घकालीन रोग है? काला ज्वार नामक रोग का कारक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग समूह है मलेरिया काला ज्वार। एड्स का कारक है HIV वायरस। बैक्टीरिया जनित रोग युग्म है हैजा तथा क्षय रोग। वायरस जनित रोग समूह है इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार। शिशु अवस्था में टीका लगाने के साथ साथ एक एक के अंतराल में 3 बार दवा किस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है? वह है पोलियो। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक है प्रोटोजोआ। शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र को नष्ट करने वाला कारक है एड्स। सिर दर्द उल्टी आना बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग के प्रभावित होने का को बताती है? मस्तिष्क को। फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं खांसी आती है। स्वयं की जैव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है वह है बैक्टीरिया। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं होती है वह है चेचक। भोजन का पाचन होता है आमाशय में। पचित भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जीव पर स्थित स्वाद कलिकाओं का कार्य है भोजन का स्वाद देखना। ओवेस मानव के मुंह में दांतों की संख्या प्राय कितनी होती है? 40। अमावस्य का अंतिम भाग जिस अंग से जुड़ा हो रहता है वह है ग्रहणी। बड़ी आंत का अंतिम सिरा रूपांतरित हो जाता है मलाशय से। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिस का द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है पेचिस। शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से होने वाला रोग है पीलिया। दाद रोग का कारक है कबक। वायरस जनित रोग है पोलियो। हिपेटाइटिस बी नामक बीमारी विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है हिपेटाइटिस बी। किस विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है
पांडु रोग। डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम है गलघोंटू। हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। विटामिन सी के प्रचुर स्रोत हैं नींबू और संतरा। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 70-80%। रोतंदी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए से। हृदय रोग वह रक्तचाप को बढ़ावा देने वाला अवयव है वसा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। संपूर्ण विश्व में शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार है लुईस पाश्चर। पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है एंटीजन। दोस्तों कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, थोड़ा देख लें खुद। सर्वप्रथम पृथकृत एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। चलिए दोस्तों चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है पारा। साबुन का जलीय विलयन है क्लोराइड। वायु में दो मुख्य घटक है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। दो घुलनशील द्रवों का पृथक करने की विधि है अश्वन। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है अपकेंद्रण। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में सहायक विधि है वाष्पीकरण। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने वाला विलयन है क्लोराइड। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि है कि पृथक्करण विधि। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि है क्रिस्टलीकरण। वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है परभाजी आसवन द्वारा। ठोस पदार्थ को शुद्ध करने की विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने में की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कि पृथक्करण विधि। दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 किलोमीटर कम का अंतर है उसे पृथक करेंगे परभाजी अश्वन। वायु के विभिन्न घटक जिस निम्न प्रक्रम द्वारा अलग किया जाते हैं परभाजी आसवन द्वारा। रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विमानतर बनाए रखने में सहायक करती है बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले एक कूलम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 2 जूल।
किसी परिपथ में समांतर प्रतिरोध रखते हुए विभवांतर का मान आधा करने पर धारा प्राप्त होता है आदि। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति से। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए संयोजन करते हैं समांतर क्रम में। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः उपयोग करते हैं टंगस्टन का। अमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है श्रेणीक्रम में? दो चालक तार जिसके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में उसके पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? 1:4 ओम गुने मीटर का मात्रक है प्रतिरोधकता का। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध होता है धारा समान बाती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है आमीटर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ओम में होगा कूलम्ब इकाई। विद्युत आवेश किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तु का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलम्ब का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं की बीच के विभवांतर को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान विभव पर। प्रत्यावर्ती को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में किसी चालक के सिरों के बीच। विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका की इकाई है न्यूरॉन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गई है तो फिर से एक बार खुद देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे।